हे गाइस, इट्स टाइटन ज़ियूस हियर। और गाइस, ये वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को नहीं पता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और इसमें हम लोग बहुत कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे RPEZ मिशन जो कार्ड है, वो प्रोटेक्शन रेटिंग जो कार्ड है उसके बारे में, और क्या नया मिल रहा है हम लोग को और जो कि आप लोगों को नहीं पता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंसान को नहीं पता है, तो वो सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सब कुछ मैं आपको एकदम आसान से तरीके में समझाऊंगा। तो अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो जाए कि क्या है इसमें और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो गाइज़ चलिए पहला जो चीज़ है मैं शुरू करता हूँ RP से। तो RP का जो पहला चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग को RP में सीज़न 1 का सारा रिवॉर्ड्स जो है, मतलब इमोट्स और वो ड्रेस वो सब वगैरह वगैरह सब सामान हम लोग को मिल रहा है, वो भी मतलब हम लोग इससे रिडीम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा सेट हम लोग को सीज़न 1 में मिला था जो कि हम लोग को वापस से इस सीज़न में रिडीम करने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, इसको तो मे बी सबको ही जानता होगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मिशंस के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ सरप्राइज़ लिखा हुआ है, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं हर 2 वीक पे हम लोग को कुछ अच्छा मिल रहा है। मतलब कि जैसे ये वाला मिल रहा है और ये पैराशूट जो है हम लोग को 4th वीक में मिलेगा। मतलब अब ये मिलेगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि ये जो बॉक्सेस हैं ये हम लोग को मिलता है जो हम लोग 10 कंप्लीट करते हैं RP मिशन, तो हम लोग को ये बॉक्स खुलता है। जैसे हम लोग को ये 200 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला हम लोग को मिलता है, तो ये 1st वीक में मिलेगा। 2nd वीक में जब आप जाओगे तो आपको 2nd वीक में ये बॉक्स के साथ आपको ये वाला इमोट फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 200 आपको RP पॉइंट मिलेगा और ये इमोट मिलेगा। फिर 3rd वीक में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, 4th वीक में आपको ये वाला पैराशूट मिल रहा है, वैसे ही 5th वीक में कुछ नहीं मिलेगा, 6th वीक में आपको ये वाला मिलेगा। तो ऐसे ही करके लास्ट जो है वो आपको ये मास्क मिलने वाला है। ठीक है, ये मास्क जो भी है तो ये मास्क आपको 8 वीक में, मतलब हर 2 वीक में आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। ये एक चीज़ हुआ। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ओशंस ट्रेजर बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो सीज़न 1 के इमोट्स थे वो सब यहाँ पर हैं, तो आप उसको यहाँ से रिडीम कर सकते हैं अगर आपका हो जाता है तो RP। और यहाँ पर कुछ कुछ अभी भी हिडन है जो कि अभी भी पबजी में आया नहीं है, तो ये सब रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। उसके बाद 13 दिन के बाद ये सब अनलॉक होगा, 13 दिन या 27 दिन के बाद यहाँ लिखा हुआ है, तो अनलॉक होगा। इसमें क्या हो सकता है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, बट जो भी है कुछ अच्छा ही होगा होपफुली। तो ये रहा RP के बारे में, मतलब RP में क्या क्या था जो कि मुझे बताना था आपको। अब और हाँ, और एक चीज़ जो है कि आपका जो RP का बॉक्स है इसका प्राइस जो है कम कर दिया गया है, मतलब पहले 150 लगता था अब 90 लग रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ हुआ है एक। और चलिए अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि RP में जो रिवॉर्ड में एक चीज़ मिल रहा है हम लोग, जिसको ये कार्ड है, वेट, हाँ ये है रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड 1 टाइम। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। ये एक कार्ड है जिसको आप एक बार यूज़ कर सकते हो क्राउन के नीचे में। आप अगर मतलब जैसे प्रोटेक्शन होता है रेटिंग प्रोटेक्शन, कि आप अगर मर भी जाते हो उतर के तो आपका रेटिंग माइनस नहीं होगा जिससे आप पुश कर पाओगे। तो ये जो कार्ड है ये आप एक ही बार यूज़ कर पाओगे। और ये यूज़ कैसे होगा, जब आप इसको कलेक्ट करोगे, मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ इसी से मैं बता रहा हूँ, इसको जब आप कलेक्ट करोगे तो इन्वेंट्री में आपका ये कार्ड आ जाएगा कुछ इस तरीके का। और जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस तरह क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब इसके क्लिक करने के बाद अगर आप एक मैच खेलते हो उसके बाद आप मर जाते हो तो ये कार्ड जो है गायब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ये एक्टिव हो गया है इसको डीएक्टिवेट करना है, तो आप इस पर वापस क्लिक करना, ठीक है, तो ये क्या होगा डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इस मैच में आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो ये एक ही बार यूज़ कर सकते हो आप जब भी करो, लेकिन ध्यान से करना, और क्राउन के नीचे ही हो सकता है, ये क्राउन के ऊपर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। और एक चीज़ जो है
RPZ मिशन लाइसेंस का, तो वो सीज़न 8 में क्या हुआ है और क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले चलिए RPZ लाइसेंस पे चले जाते हैं। ये नहीं है, सॉरी, ये हाँ। तो यहाँ पर कुछ पिछले सीज़न के मुकाबले कुछ नया है, ये मास्क। तो ये मास्क जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो मास्क मिल रहा है, तो ये मास्क यहाँ क्यों दिया गया है, क्योंकि 8 वीक में आपका ये मास्क पहले ही खुल जाएगा। मतलब कि आपको 7th वीक में ही 8 वीक का आपका जो मिशन है वो खुल जाता है, तो 8 वीक में आपको ये मास्क मिल जाएगा, ये 200 पॉइंट्स के साथ। तो इस वजह से ये दिया हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ कि सीज़न 2 में, अगर आपने सीज़न 1, मतलब यहाँ पर अगर आप पिछले सीज़न में आपने RP ख़रीदा हुआ था, तो सीज़न 2 में इसका प्राइस जो होगा वो 150 हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने अभी तक, मेरे को दिखा रहा है यहाँ 300, क्योंकि मैंने अभी तक RP अपग्रेड नहीं किया है। जब भी मैं RP अपग्रेड करूँगा, ये इसका प्राइस जो होगा वो 150 हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसको बाई कर सकता हूँ। और नेक्स्ट सीज़न अगर मैंने फिर से RP खरीदा, तो ये मुझे फ्री में मिल जाएगा सारे रिवॉर्ड्स। और गाइज, मतलब ये देखिए, आपको इस सीज़न में भी इसको ख़रीदने को बोल रहा है, तो मैंने पिछले सीज़न इसको नहीं ख़रीदा था, तो इस सीज़न में भी मुझे बोल रहा है कि 300 में ख़रीदना होगा। तो अगर जिसने पिछले सीज़न ख़रीदा है, तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार आपको ये ख़रीदने वाला ऑप्शन दिख रहा है या फिर ऑलरेडी आपका ये परचेज रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बाकी सब कुछ जो भी है, ठीक है, वो सब सेम है, जो भी पिछले सीज़न मैंने बताया था वो वाला वीडियो भी है, आप चेक कर सकते हो उसको, मैं लिंक में दे दूंगा। बट वो जो था वो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर ये मास्क आपको पहले ही मिल जाएगा, जो मैंने पहले बता दिया था आपको। तो गाइज़, ये रहा इसके बारे में। और अभी ये जो है RP, ये वाला अभी तक ये आया नहीं है, क्योंकि अभी तक 1st वीक नहीं हुआ है। 1st वीक होने के बाद यहाँ पर आपको सीज़न रैंकिंग दिख जाएगा, जिसका भी सबसे 100 पहले होगा वो टॉप में होगा। ये सारा चीज़ जो है गाइज़, मेरे को मतलब लगा लॉजिकल जो आपको मे भी ना पता हो, तो इस वजह से मैंने बता दिया। और गाइज, एक मस्त चीज़ जो है कि आप रूम जब क्रिएट कर रहे हो, तो TDM आप जो खेलते हो, तो आपको FPP वाला ऑप्शन जो था वो ही सिर्फ था, बट इस बार जो दिया गया है TPP वाला ऑप्शन भी डाल दिया गया है, तो आप TPP भी खेल सकते हो आराम से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज, मतलब अभी मुझे इतना ही इम्पोर्टेंट मतलब सामान मुझे दिखा, तो मैंने बता दिया आपको। कुछ और इम्पोर्टेंट दिखता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको फुल डिटेल में, ठीक है। और वीडियो के लिए वेट कीजिए आप। और इस बार का जो अपग्रेड है काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा दिया है, मतलब मिशंस और मिशंस नहीं, सॉरी, रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो गाइज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। तो बस इतना ही था। आपको क्या लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।